लिए नहीं, इस दुनिया को अपने पीछे दौड़ाने के लिए आता हुआ। बरतानी दारुल अवाम यानी उनकी पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन मोरल हंटर ने खड़े होकर कहा, अगर जितना कुरान मैंने पढ़ा है, ये गैर मुस्लिम कह रहा है, जितना कुरान मैंने पढ़ा है मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर इसके हलवे से बचना है तो इस मुसलमानों को इस कुरान से दूर करना हो, ये कुरान शान बढ़ाने के लिए आता हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होता था तो आप इसकी तिलावत फरमाते, मजमे आम में जाते, तो जवाब में क्या होगा, मारा जाता, पीटा जाता, तशद्दुद किया जाता, बदसलूकी की जाती, शोर मचाया जाता, ढोल पीटे जाते, और इन सब हरकतें अगर नाकाम हो जाते तो आपके सामने ऐसे उंगलियों में कानों में उंगलियां ठूस के खड़े हो जाते, और ये सारा काम शौरी तरीके से होता। कहते आपस के अंदर कि अगर कुरान का एक लफ्ज हमारे कान में उतर गया तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे बगैर रह नहीं सकेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह नजम आता हुई जिसकी आखिरी आयत आयत सजदा, जो कुरान में 14 मकामात हैं, आप दिनों में तिलावत में हमें अंदाजा नहीं होता लेकिन माह मुबारक में तो अंदाजा होता है, क्योंकि इमाम साहब ऐलान फरमाते हैं पहली रकत में सजदा होगा या दूसरी रकत में सजदा होगा। तो आपको सूरह नजम अता हुई, आप खाने का वक्त पहुंचे, अरब में कहा सूरह नजम की तिलावत करना शुरू की, थोड़ी देर में सत्ता दारी हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, और जब आप आखिरी आयत सजदा पर पहुंचे, आपने सजदा किया, सारे सरदारों ने खड़े सजदे में चले गए, उमैया बिन खलफ कहता है मैंने सर उठा के देखा सब सजदे में नजर आए, तो मैंने सबूत के तौर पर हाथ मट्टी में मला और ऐसे पेशानी पर लगा दिया कि पता चले कि मैंने भी सजदा किया, सजदा को कर लिया। आप उठ के हैरान परेशान है कि हमसे क्या हो गया, एक दूसरे से पूछ रहे तुमने सजदा क्यों किया, तुमने सजदा क्यों किया, तुमने सजदा क्यों किया, और वो जो कहते हैं उसने गुनाह बदस्तर गुनाह फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि जनाब वो तो लात मनात और उजा का तस्करा आ गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में, तो हम ये समझे नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अजदाद के दीन की तरह वापस पलट आए हैं इसलिए हम सजदे में चले गए। नहीं, इस कुरान की शान और हैबत ऐसी थी कि उसने इनकार करने वाले मुशरिकीन को भी सजदा रेज होने को मजबूर कर। तो आपके और मुझे ये कुरान अता हुआ, आपके और मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया, आप और मैं उम्मत वस्त बनाए गए, और उम्मत वस्त का ताज आपके और मेरे सरों पर सजाया गया, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस मिशन की हम तकमील करें जो वो आपकी और मेरे सुपुर्द कर गए। और ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, मैं नबी अल्लाह ताला के इरशादात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। ए लोगो, तुम सब, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं। सूरह आराफ, फिर फरमाया ये कुरान अल्लाह ने इसलिए उतारा कि कुरान लाने वाले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए आगाह करने वाले और नजीर बनकर आए हैं। सूरह फुरकान, और अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह बकरा में, और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया, शान बयान की जा रही आपकी और मेरी, क्यों बनाया, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। सूरह बकरा, तो आपकी नबुवत खत्म नबुवत है, आपकी खत्म नबुवत का फितरी तकाजा है कि इसे गालिब होके रहना है, आप और मैं ये काम नहीं करेंगे कोई और ये काम करेगा, आप और मैं अपनी किस्मत नहीं संवारेंगे किसी और की किस्मत संवर जाएगी, ये काम मोहताज नहीं है आपका और मेरा, ये दीन ऐसा बेकस और मजबूर नहीं है कि हम जैसे इंसानों की इंतजार करेगा ये कुछ करेंगे तो दीन फैलेगा और दीन किसी जगह पहुंचेगा। यह वाकया भी पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, एवान ब्रैडले इंग्लैंड की एक मगरबी सहाफी, अब जहाज अफगानिस्तान की कवरेज के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की कैद में आया, तो अपने इस्लाम लाने का किस्सा एक किताब तहरीर की उसने, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मरियम है, किताब में लिखती है कि कैद खाने में मुहाफिज रोज मेरे लिए खाना लेता रहता, झुकी हुई निगाहों से ट्रे लाता, झुकी हुई निगाहों से ट्रे रखता और झुकी हुई निगाहों से वापस चला जाता, मैं तो एक ऐसे माशरे में बड़ी बड़ी
जिसमें निगाहों ने जिस्मों के ताकत के सिवा और कुछ नहीं सीखा था। मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी जहां अपनी बेहरमती का धड़का गैरों से ज्यादा अपनों से लगा रहता। तो एक दिन मैंने उस मुहाफिज को रोक कर पूछा, तुमने कभी निगाह उठाकर भी मुझे नहीं देखा? जी नहीं देखा। क्यों? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दीन दीन इस्लाम ने हमें यह बताया कि हमारे दीन में किसी अजनबी खातून की एहतराम और इज्जत करने का यही तरीका है कि जब उसके सामने जाएं तो आपकी निगाहें झुकी हुई। तुम्हारे दीन के अंदर एक औरत की इतनी कदर मंजिलत और इज्जत है? जी इतनी ही है। तो मैं गवाही देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मेरी भटकती निगाहें किसी को इस मकाम पर नाश तक नहीं ला सकें कि वो गवाही दे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। यही वो असल काम है जो आपने मैंने करना। हम नहीं करेंगे ये दीन इंतजार नहीं करेगा। यह हमारा मोहताज नहीं है, हम इसके मोहताज हैं। हमारी वजह से इसने नहीं संवरना, इसकी वजह से हमने संवरना है। इसकी वजह से हमारी किस्मत जो है वो जागनी है। और यहां ये बात भी जहन में रखिए, इसके लिए ये जो हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब इकामत दीन की जद्दोजहद का काम है, ये सब खत्म नबूवत की तकमील का काम है। कभी कभी जहन में आता है ये छोटे छोटे दर्स से हदीस से, ये छोटी छोटी सरगर्मियों से, इन सब बेदारियों से क्या होगा? बंदा अपने अल्लाह के हुजूर सत्य की एक गुठली पेश करता है, अल्लाह उसे कोहत के पहाड़ के बराबर करता है। सत्य की गुठली पेश करते रहना आपका मेरा काम, कोहत के पहाड़ के बराबर करना मेरे अल्लाह का काम। और अगर हम ये नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे तो अल्लाह फरमा रहे हैं सूरे अल हदीद, तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जिहाद करें वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जिहाद किया। बाद में तो जब सब कामयाबी होगी, नहीं, जब कामयाबी नजर नहीं आ रही, जब गलबा नजर नहीं आ रहा, उसका इम्कान भी नहीं देख पा रहे। हालांकि जिनका अल्लाह पर तवक्कुल है, यकीन है, उन्हें कामयाबी भी नजर आ रही है और उन्हें वो दुनिया नजर आ रही है जो अल्लाह ताला उन्हें दिखाना चाह। अल्लाह बता रहे हैं कि फतह से पहले का जिहाद और खर्च और फतह के बाद का जिहाद और खर्च दोनों बराबर नहीं हो सकते। और फरमाया कि इनका दर्जा बाद में खर्च और जिहाद करने वालों से बढ़कर है, अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में सरदारान कुरैश बैठे थे, साबिकुनुल अव्वलून में से एक साबी तशरीफ लाए, तो आपके पास एक छोटी सी स्टिक होती थी, एक सरदार को इशारा किया जगह दीजिए, तो वो साबी आके बैठ गए। कुछ देर के बाद एक और साबी आ गया, फिर आपने इशारा किया, होते 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 साहबा आते गए, ये सरदार कुरैश महफिल से खेमे से ही बाहर हो गए। बाहर निकलकर अपने साथ एक दूसरे सरदार कुरैश साथ निकला था, कहा देखा आज उमर ने हमारे साथ क्या सलूक किया, देखो खेमे से बात कर दिया। साथ में बाहर निकलने वाले ने हाँ में हाँ मिलाने के बजाय कहा, याद भी है आने वाले कब इस्लाम लेकर आए थे और हम कब इस्लाम लाए। आने वाले जब इस्लाम लाए, जब इस्लाम लाना हाथ में अंगारे लेने के बराबर था, और हम जब इस्लाम लाए, जब इस्लाम लाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, यद कुलु नफी दीन लाई अफवाजा का मंजर था। तो फैसला आपने आज करना है कि इस फतह से पहले, इस कामयाबी से पहले, इस गलबे से पहले आपने कहां खड़े होना, आपने अपना नाम कहां एलिस कराना है, आपने और मैंने अपना मकाम क्या बनाना है। फतह और गलबा अल्लाह के हाथ में, कामयाबी नुसरत अल्लाह की मर्जी से, आपको और मुझे सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्लाह सूरह मोहम्मद में फरमा रहे हैं, अगर तुम वो मरोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और काम पर ले आएगा और वह तुम्हारी जैसी नहीं होगी। आप देखिए सारी तकलीफें मक्के के अंदर, लेकिन रियासत मदीने में अल्लाह का जहां फैसला हो, और जब मदीने में वो रियासत बनी इस्लामी रियासत, तो अरब के दूर दूर कोने तक, लाखों मुरब्बा मील दूर तक अल्लाह का कलमा जो है वो नाफिज हुआ। नहीं पता कि हम जद्दोजहद पाकिस्तान में कर रहे हैं, मेहनत में कर रहे हैं, रब्बे कायनात इसकी बरकतों से कहां अपना निजाम नाफिज करेंगे। और नहीं पता
کہ دنیا کے جغرافیے میں کس جگہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کی برکتوں سے کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے کرم سے نوازیں گے. تو یہ ماہ مبارک یقیناً عبادت کا مہینہ, یہ ماہ مبارک یقیناً برکتوں کا, فضیلتوں کا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں جو خطبہ ارشاد فرمایا, میں دو چار منٹ میں اس کی چند باتیں آگے کرتا تھا. فرمایا, اے لوگوں, تم پر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فکر ہونے والا جس میں ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ہو سکتا ہے ہم آخرت میں کوئی کھڑے ہو کے شکوہ کرتا, یا اللہ ہم سے پہلے کی امتوں کو 950 برس کی مہلت ملتی تھی, ہمارے دور کی قیدی عمر 55-60 سال تھی, ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی. اور یہ ہزار مہینوں کا زندگی دنیا کا کیلکولیشن 83-84 سال بنتا ہے. ایک ہی رات میں ساری نافرمانیوں سے چھٹکارا ملے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھڑپٹ میں دنیا میں تشریف لائے. آنے والے سات فرشتوں کو کہتے ہیں, جائیے ساری دنیا میں پھیل جائیے, اللہ کے بندے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ قرآن پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, تو رکوع میں ہو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, تو سجدے میں ہو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ آپ کا مطلب ہے فجر. فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. فجر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی, واپس آ جائیے, اور اوپر چلنے کا وقت. واپس آنے والے فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل, آج کی رات رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے کوئی فیصلے کیے ہوں گے, اگر آپ کو پتا چل گیا ہو تو ہمیں بھی بتا دیں. ہاں, اللہ نے فیصلے کیے, سب کو معاف کر دیا, سب کی معاف